हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है और इसमें जो वैकेंसी निकली है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए कैंडिडेट की हाइट, एज, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके साथ ही इसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रहता है, इसमें पहले आपका एग्ज़ाम होता है या फिज़िकल होता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है, कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में भारतीय तटरक्षक भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो गार्ड होते हैं, यानी कि एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स होती है जो भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो भी समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र सीमा की जो रक्षा करते हैं, ताकि समुद्री सीमा से, समुद्र से कोई भी आतंकवादी या कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत में ना आ सके, भारत में घुसपैठ ना कर सके या भारत में कोई हमला ना कर सके। तो इसीलिए ये जो तटरक्षक होते हैं, ये कोस्ट गार्ड होते हैं, ये भारत के समुद्रों में जो है वहाँ पर रक्षा करते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये एक सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 13 फरवरी है। 13 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो डेट है उसको बढ़ाया गया है, वरना 27 फरवरी थी पहले और अब इसको बढ़ाकर 3 मार्च कर दिया गया है। तो 3 मार्च तक आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो इसमें दोस्तों अभी तक केवल मेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट जो है वो नाविक की पोस्ट हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, नाविक की जो भी पोस्ट हैं, जनरल नाविक जीडी की जो पोस्ट है, उसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप में जो 12th है वो मैथ और फिज़िक्स के साथ पास होनी चाहिए, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, किसी भी स्कूल से। तो आपने अगर मैथ और फिज़िक्स के साथ 12th पास कर रखी है तो आप नाविक जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों, बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें जो आपकी एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 तक होनी चाहिए। यह है दोस्तों नाविक जीडी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसके साथ ही यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट भी दी जाती है। इस चीज़ का आपको पूरा रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 260 हैं। 260 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं, जिनको रीजन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ रीजन्स में आपकी 79 हैं, वेस्ट रीजन में 66 हैं, नॉर्थ ईस्ट की 68 हैं। तो ये सभी रीजन्स में डिवाइड हैं। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज भी इनको डिवाइड किया गया है। तो पोस्ट के बारे में डिटेल मैंने आपको बता दी। टोटल जो पोस्ट हैं वो 260 हैं, 260 पोस्ट हैं यहाँ पर आपकी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, नॉर्थ रीजन में इन्होंने किन किन स्टेट को रखा है आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, इनको रखा गया है नॉर्थ रीजन में। वेस्ट रीजन में यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर स्टेट की जानकारी है। दोस्तों, अगर आप इसके कंप्लीट इसको नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें दोस्तों आपको दे रखा है, इसमें पहली स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फोर्थ स्टेज इसमें करवाई जाती हैं। तो 4 स्टेजेस इसमें आपकी होती है। यहाँ पर दोस्तों पहली स्टेज बता रखी है। पहली स्टेज में होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि सबसे पहले इसमें आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद जो कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को पास कर लेता है उसके लिए ही उसको जो है फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे रखी है कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो है
आपके जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर 60 में से मिलेंगे, टाइम रहेगा 45 मिनट और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60, यानी 60 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 60 में से 20 क्वेश्चन मैथ के, 10 साइंस के, 15 इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के और 5 जीके के। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो है टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए अनरिजर्व, EWS और OBC को कम से कम 30 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए और SC ST को 27 मार्क्स यहाँ पर कम से कम लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों और जो यहाँ पर लेवल रहेगा वो 10th लेवल का सिलेबस आपका रहने वाला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसका कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे, टाइम मिलेगा 30 मिनट और 50 नंबर के ही होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 फिजिक्स के होंगे। और 50 में से दोस्तों UR, EWS और OBC को कम से कम 20 नंबर लाने होंगे और यहाँ पर SC ST को कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। और इसका जो लेवल रहेगा वो 12th लेवल की मैथ और फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बता रखा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम। सेकंड स्टेज में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका बता रखा है क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर पहला असिसमेंट अडेप्टबिलिटी, यहाँ पर दोस्तों टेस्ट होगा, इसका बायोमेट्रिक यहाँ पर आपकी की जाएगी दोस्तों कंप्लीट। और दोस्तों इसके साथ ही आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पर दे रखा है क्या क्या आपका होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 20 उठक बैठक आपको लगवाई जाएंगी और 10 पुशअप्स आपसे लगवाए जाएंगे। ये रहेगा आपका फिज़िकल में। दोस्तों फिज़िकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10th की, 12th की या फिर अगर डिप्लोमा का रखा है तो उसकी मार्कशीट, ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास उसको लेकर जाना होगा। इसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने है आपके पास उसको लेकर जाना होगा। अगर आपने उसका लाभ लिया है तो वो चीज़ आपको दिखानी होगी। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में यहाँ पर आपकी फुल बॉडी को चेक किया जाता है, फुल बॉडी का चेकअप होता है मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। और जो यहाँ पर सभी चीज़ें होती है मेडिकल, जो प्री एनरोलमेंट मेडिकल है, इन सभी के बारे में बता रखा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता ही दी दोस्तों, मेन चीज़ें यहाँ पर क्या क्या हैं, सभी चीज़ें कंप्लीट मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए जल्दी से जाइए और इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो अगर कोई सवाल या डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।